गुड आफ्टरनून, मैं डॉक्टर राइना, जॉइंट डायरेक्टर बकिन पार्टिन जनरल हॉस्पिटल पासीघाट। आज हमारा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल से 3-4 लोगों का रिकवरी होके डिस्चार्ज हो गया है। उन लोग कोविड से इन्फेक्टेड था और टेस्ट में अभी नेगेटिव आया है। मैं सबसे पहले उन लोग से जानना चाहता हूँ कि यहाँ में कोविड के ट्रीटमेंट के दौरान कैसे कैसे हुआ और आप पब्लिक को क्या मैसेज देंगे। सबसे पहले मैं इनको पूछना चाहता हूँ, आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम मनोज पुरकाश्ता है। मैं एक्चुअली नाहरलगन से हूँ, लेकिन मैं यहाँ जीटीसी में जॉब करता हूँ। तो मंथली यहाँ पे मैं स्टे करता हूँ। उसके बाद फिर नाहरलगन में हेड ऑफिस से हम लोग वहाँ पे भी जाता हूँ। अच्छा, आना जाना चलते रहता है। जीटीसी में आपका नौकरी है जी। तो आपको कैसे डिटेक्ट हुआ कि कोविड पॉजिटिव है बोल के? आपको कहाँ से डिटेक्ट हुआ, क्या टेस्ट? एक्चुअली मेरा, हम तो बहुत प्रिकॉशन से रहते हैं, सैनिटाइजर, पॉकेट सैनिटाइजर वगैरह वो सब मेरा पॉकेट में एनी टाइम रहता है। और अपना पर्सनल एसओपी मेंटेन करता था। हाँ, और अपना पर्सनल गाड़ी था कंपनी से दिया हुआ। अच्छा, आने जाने के लिए। क्या पोस्ट में आप? हम अभी जीएम पोस्ट में। जीएम है, जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर ऑफ सुमन कंस्ट्रक्शन, जो आपका काउ बिल्डिंग को स्टार्ट कर रहा है। अच्छा, जीटीसी में। उसके बाद हो गया ये 27-28 का बात था। वेदर जो थोड़ा अभी धूप अभी बारिश इस तरह का हो रहा था, तो अनफॉर्चुनेटली हम थोड़ा सा बारिश हमको लगा है। तो हम उसको इतना केयर नहीं किया मतलब। तो शाम को जिस दिन हम मतलब बारिश से इम्पेक्ट हुआ, उसी दिन नाइट को थोड़ा सा हल्का सा मतलब बुखार आया था। तो उसको भी हम नेक्स्ट डे को पैरासीटामोल एक एंटीबायोटिक सिंपली लिया है, बस लेके अपना जो ड्यूटी है खा के अपना जो ड्यूटी वो कर रहा है। नेक्स्ट नाइट को फिर इजिटेज ज़्यादा हो गया बुखार। उसका बाद नेक्स्ट डे को भी बुखार 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। जब 3 दिन हो गया तब थोड़ा हम मतलब अपना आपको मैंने इनसिक्योर हो गया, क्योंकि मेरा पास घर में मेरा मिसेस प्लस मेरा 4 साल का एक बेटा है और 2 साल का एक बेटी है, वे भी मेरा बहन है। अच्छा, मेरा साथी था अभी इतना दिन तक। तो 2 तारीख को आके हम यहीं पे टेस्ट कराया। और यहाँ में टेस्ट कराया? हाँ, खुद से आके टेस्ट कराया। ठीक है। तो उसमें पॉजिटिव मिला। तो हम होम आइसोलेशन के लिए फोकस किया। ठीक है। तो होम आइसोलेशन के लिए तो हम तो पीपी अपार्टमेंट में बैठ रहा था। ठीक है। तो उसमें बैठ रहा था, बुखार ऑलमोस्ट मतलब, और मैंने 6 तारीख का बुखार मेरा नॉर्मल हो गया था। नहीं, उसका बाद खांसी पकड़ने शुरू हो गई रात को। अच्छा, इतना खांसी पकड़ा मतलब चेस्ट पेन होता है। सांस लेने का तकलीफ था? सांस लेने के लिए तकलीफ नहीं है, जब खांसी जोरदार होता है तो चेस्ट में पेन होता है। वो पेन का टाइम में क्या होता है कुछ मालूम नहीं चलता है। अच्छा, 5-10 मिनट्स के लिए, 5-10 मिनट्स के लिए उसके बाद फिर ठीक हो जाता है। ठीक है। आपको यहाँ ये एडमिशन कब हुआ था? 7 तारीख को ये महीना ही एडमिशन हुआ। 6 तारीख को। आप बताइए इसका, यहाँ में आपके एडमिट होके रहने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? पासीघाट में, ये हमें DCH में यहाँ में एडमिट होने का बाद तो बहुत रिलीफ मिला है। डॉक्टर लोग भी आए टाइम टू टाइम, दवाई लोग भी दिए।
और मेनली एक्सरे वक्सरे किया है मेरा, किया है ना, एक्सरे किया है, उसके बाद बोला है, अभी भी बोल रहा था, ब्लड टेस्ट भी किया, ब्लड टेस्ट भी किया, ठीक है, अभी भी बोल रहा था, मतलब ऑक्सीजन थोड़ा अप एंड डाउन तो है, मेरा ऊपर है बोल रहा है, तो हम उसको तो हम इतना प्रॉब्लम तो नहीं है कि मतलब तो बिना ऑक्सीजन का हम रह नहीं सक रहे। अच्छा, बिना ऑक्सीजन से रह सकते हैं, रह सकते हैं। अभी माने यहाँ में अपना हेल्थ केयर वर्कर लोग आपको देखभाल कैसे किया, डॉक्टर है, सिस्टर है, आपका पैरामेडिकल स्टाफ है, सैनिटरी असिस्टेंट है, और कैसा था आपका बिहेवियर और कैसे आपका साथ खाना पीना कैसा था? सब कुछ ठीक था, खाना पीना वगैरह, खाना पीना ठीक था, ठीक था खाना पीना। क्योंकि खाना अभी जो है लंच को ये दे रहा है आपका, हमारा डीजीपी यूथ विंग्स लुक दे रहा है, और आपका डिनर को कांग्रेस पार्टी का लुक दे रहा है हम लोग। हाँ, तो उन लोग आपका डाइटिशियन का मुताबिक ही हाइजीन डाइट दे रहा है, अच्छा ही दिया होगा। तो आपका मैसेज क्या होगा पब्लिक को और ये को, पब्लिक को, मासेस को क्या बताना चाहते हैं? मेरा तरफ से मैसेज यही रहेगा, मतलब ये कोविड को हम भी जब तक नहीं हुआ था तब तक सोचा था एक टेबलेट और एक एंटीबायोटिक का काम है सिर्फ, लेकिन एक्चुअली ये ऐसे नहीं है। जितना हो सकेगा आके एडमिट होकर ट्रीटमेंट को, यदि होने से सीरियस होने, अगर मैंने सिम्टम कुछ मिल रहा है होने से जल्द आके ट्रीटमेंट करना है बेस्ट है, और जितना जल्दी ट्रीटमेंट होगा उतना जल्दी रिलीफ भी मिलेगा और आगे भी अच्छा होगा। दो गज की दूरी, मास्क से जरूरी, सैनिटाइजर सब अपना कोविड प्रोटोकॉल को मेंटेन करके चलना है जितना हो सकेगा, दवाई भी कराई। थैंक यू, थैंक यू। इंट्रोडक्शन दीजिए, आप यहाँ भर्ती था, ट्रीटमेंट कराया, आपसे हम जानना चाहते हैं कि कैसा यहाँ देखभाल हुआ, कैसे रहा, तो आप, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें और कहाँ का। मेरा नाम अजय रतन, हम मोपो बस्ती का है। मेरा डिनर पकड़ने वाला तो एक तरह को पकड़ा था आज रेत से, जी रेत से पकड़ा है, ये नहीं पकड़ा है, पकड़ के बस्ती गया, गर्मी गया, उसके बाद नेक्स्ट डे को इंजेक्ट कर दिया सामान वामान लेके। मेरा हालत ज़्यादा ख़राब था इसलिए हमको इंजेक्ट किए थे। अभी आपको सांस लेने में तकलीफ है क्या? अभी भी ये मास्क पहनने से थोड़ा तकलीफ होता है, मास्क सुनने से अच्छा होता है जी। अच्छा, तो यहाँ आप रहते समय कैसा एक्सपीरियंस कैसा था? यहाँ का एक्सपीरियंस तो DCH में, ये हॉस्पिटल में रहते समय ठीक ही था, अच्छा था, ठीक था जी। और आपको ये हेल्थ केयर वर्कर लोग जैसे डॉक्टर है, सिस्टर है, अटेंडेंट है, सैनिटरी असिस्टेंट है, चौकीदार है, उन लोग का बिहेवियर कैसा था? अच्छा था, बहुत नॉर्मल था, जी पॉजिटिव था, कोई आपको मैंने गाली वाली तो नहीं दी ना। और खाने पीने का कैसा रहा? खाना पीना भी अच्छा है, अच्छा टाइम नहीं मिल जाता है। या दवाई सवाई मिलता था? दवाई हाँ कुछ कुछ यहाँ से मिला है, कुछ मिला, हाँ कुछ ये मैं खरीदा है बाहर से। अच्छा, खरीदा है जी। कितना का पैसा खरीदा है? एग्जैक्टली वो तो याद नहीं है, लेकिन कम खरीदा है ना जी, जो यहाँ में नहीं है उसको खरीदा है, जो यहाँ मिले उसको फिर। अच्छा, तो अभी आप कैसे महसूस हो रहा है? अभी आपको भी थोड़ा तकलीफ है? अभी अब हमको लग रहा है आप थोड़ा तकलीफ है। नहीं, मास्क पहनने से तकलीफ होता है, अदरवाइज तो प्रॉब्लम नहीं है कुछ, लेकिन हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन देखा है तो आपका तकलीफ ठीक है, ठीक है। दो तीन दिन से बुखार नहीं है ना? नहीं, बुखारता नहीं, खांसी नहीं है, खांसी थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा सांस लेने में तकलीफ होता है जी, ये धीरे धीरे ठीक होगा आपको। और पब्लिक को मैसेज क्या देना चाहता है कि आप क्या बोलना चाहते हैं? पब्लिक को ये मैसेज देना चाहता है कि कोरोना वायरस को ऐसे लाइटली नहीं लेना है। एग्जैक्टली, हम भी लाइटली लिया करते हैं, कुछ नहीं, ये छोटा मोटा खांसी है बोल के, तो ऐसा बीमार हो गया हमको DCS में एडमिशन लेना पड़ा, एडमिट करना पड़ा, वही है पब्लिक थोड़ा अवेयरनेस होना है, SOP मेंटेन करना है, SOP मेंटेन करना है।
नहीं तो पब्लिक, ये बिना पब्लिक कोऑपरेशन से होता नहीं, क्योंकि हम लोग मेडिकल वाले हैं तो हम लोग ट्राई करते हैं कि किसी का ऐसा बीमार ना हो, लेकिन काफ़ी ऐसे एसिम्प्टोमेटिक है वो लोग हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होता है, घर में लेके ठीक हो जाता है, लेकिन किसी किसी आम लकी को ज़्यादा हो जाता है और घर में नहीं हो पाता है तो यहाँ भर्ती होना पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी लोगों को मरते हुए यहाँ भी देखा होगा, आपको आंखों का सामने मरते हुए देखा होगा। हाँ, क्योंकि आसान नहीं है, क्योंकि ये बीमार जो है जो सेकेंड वेव आया है डायरेक्ट लंग्स को इफेक्ट करता है, सांस लेने नहीं, सांस लेने नहीं सकने से ऑक्सीजन हमारा ब्रेन में नहीं पहुँचता, इसीलिए हम लोग ऑक्सीजन देते हैं, इसका ट्रीटमेंट ही ऑक्सीजन, आपको ऑक्सीजन भी काफ़ी दिया हो, ऑक्सीजन में रखा था। थैंक यू। आमा डिस्ट्रिक्ट में रहते हूँ, नाम टेकाकटापी विलेज है, वहाँ में रास्ता जैसा हो जैसे तो मियों का नाम क्या है? बन्ना बिखू। बेंगना बन्ना बिखू 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 बिखू। तो कैसे पकड़ा आपको ये बीमार, जीते कैसे हुआ? ऐसे तो हम उधर में था, बाहर में था। अच्छा, जो थोड़ा बीमार था लोग रास्ते से था, तो वहाँ से हम लोग पूजा पाठ कर लेते हैं, उसी समय में ठीक बच्चा था बीमार था, थोड़ा छुआ था हम उसका शरीर बच्चा को ना, लेकिन वो ठीक हो गया, हम बीमार हो गए। उसको कोविड था? कोविड वो सब तो टेस्ट नहीं किया लो। अच्छा, आपको टेस्ट किया? हाँ, कहाँ में टेस्ट किया? चंगला में टेस्ट किया? जहरमपुर में टेस्ट किया। जहरमपुर में टेस्ट किया तो पॉजिटिव पकड़ा। तो पकड़ने के बाद आप वहाँ में घर में था क्या? नहीं, हॉस्पिटल में था, घर में था। तो घर में रहते दौरान क्या हुआ आपको? हमको वहाँ में दवाई दिया था। हाँ, थोड़ा कुछ नहीं हुआ, जहरमपुर से दवाई दिया था। हाँ, तो होता क्या था आपको, क्या एग्जैक्टली? सांस सांस लेने में तकलीफ था और कमर कमर दर्द था, बुखार था, बुखार पूरा सर दर्द था, सर दर्द बुखार बदन दर्द ऐसा होता था। अच्छा, उसका लूज मौसम ऐसा तो नहीं था? मौसम था, लूज मौसम भी था। यहाँ में भी आते, यहाँ में भी होता। तो आप यहाँ कब आए? 3 तारीख को आया। 3 तारीख को आया, तो आते समय आपका हालत खराब था? पूरा सांस तो सांस एकदम अटक रहा था। तो आने के बाद आपका यहाँ एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा है। अच्छा है। तो ये लोग देखभाल किया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दिया है, दवाई सवाई और यहाँ से इंजेक्शन मारा है। अच्छा, तो ये आपको जो देखभाल करने वाला तो डॉक्टर था, सिस्टर था, अटेंडेंट था, सैनिटरी असिस्टेंट था, वो लोग का बिहेवियर कैसे था? कैसे ठीक है, गाली गलौज नहीं देता था? नहीं, ये नहीं करो वो नहीं करो ऐसा नहीं था ना? ठीक ही था, ठीक था ना? अच्छा से देखभाल किया। तो यहाँ में खान पान कैसा था? खाना पीना, खाना पीना भी ठीक है? अच्छा, कोई आपका शिकायत नहीं? दवाई सवाई सब मिला है? मिला है ना। आप पब्लिक को क्या बताना चाहते हैं, मैसेज क्या देना चाहते हैं? अच्छा से रहना है, अच्छा से रहना है, ये बीमार खतरनाक है ना, इससे बच के रहना है ना, और 2 गज की दूरी मास्क से जरूरी मेंटेन करना है, और दवाई भी कराए भी ना, और जो कोविड का एप्रोप्रिएट बिहेवियर उसको मेंटेन करना है। हमारा सलाह रहेगा, आप अभी अभी कैसा महसूस हो रहा है आपको? अभी तो ठीक है, पहले से काफ़ी ठीक है? काफ़ी ठीक है ना, क्योंकि हम लोग मॉनिटरिंग करके देखा है ऑक्सीजन सेचुरेशन आपका ठीक हो रहा है, बुखार भी अभी नहीं है, डायरिया भी बंद हो गया। तो आप अभी जाके उसमें आपका जो खान पान जो है रहने का तरीका उसको थोड़ा आपको बदलना पड़ेगा, लोगों से घुल मिल करके इमीडिएटली अभी मत रहिए, थोड़ा दूरी बनाए रखिए, अपना हाइजीन साफ सुथरा रखना है, ठीक है, और हार्ड काम एकदम नहीं करना है जैसे आप लोग करता होगा, इतना ज़्यादा हार्ड काम नहीं करना है, 1-2 महीना आप लोग को थोड़ा संभल के रहना है, और कुछ भी प्रॉब्लम होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा वो जहाँ नज़दीक का डॉक्टर लोग से संपर्क करना है, ठीक है, डॉक्टर से संपर्क करो, और कुछ भी बाद में आपको तकलीफ होगा तो यहाँ का डॉक्टर का भी नंबर होगा, उन लोग का जरूरी होना चाहिए, हम लोग का यहाँ तो पूरा एक्सपर्ट वाला है, सब स्पेशलिस्ट डॉक्टर लोग देखभाल करते हैं। आपका एक्सरे एक्सरे हुआ है?
ब्लड स्लाब टेस्ट किया है? यूरिन भी टेस्ट किया, कोई शिकायत नहीं, ठीक था? ओके, थैंक यू। इतना है डिस्ट्रिक्ट का जो भी सीएस केस जिसको सांस लेने में तकलीफ होता है या उसको लूज मोशन होता है या कुछ बुखार ज़्यादा ही हो जाता है तो सीरियस केसेस को यहाँ में डीसीएच में रेफ़र किया जाता है। सारे डिस्ट्रिक्ट से, चाहे आलोंग से हो, यिंग्क्योंग से हो, नामसाई से हो, लोहित डिस्ट्रिक्ट से हो, लोमडिंग किराप से हो, तो हम उसको यहाँ में एडमिट करके देखभाल करते हैं। तो ऐसे अभी तक तो हम लोग का यहाँ में मोर देन 64-65 एडमिशन हो चुका है। इसमें से अनफॉर्चुनेटली हम लोग का 16-17 को जैसा एक्सपायर हुआ है, क्योंकि उन लोग को बहुत लेट में भेजा गया है, बहुत सीरियस कंडीशन में भेजा गया है, तो बचाने नहीं सका। लेकिन ऐसे भी हम लोग का यहाँ से 36-37 जैसा आज जैसे चार लोग डिस्चार्ज हुआ है, फुली रिकवरी हो गया है। तो जैसे आप देखा है, हम आपका सामने इंटरव्यू लिया कि यहाँ एडमिट के दौरान आपको कैसे कैसे ट्रीटमेंट चला या स्टेस हुआ, दवाई दारू मिला कि नहीं, वो लोग का कहना है कि काफ़ी ठीक ही था, ओवरऑल तो ठीक ही था बता रहा है। तो ये लोग लकी है जो यहाँ से रिकवरी होकर जा रहा है, कोई कोई अनलकी है तो यहाँ से बच के नहीं जा पा रहा है, उन लोगों के लिए संविधान है। हमारा ये पब्लिक को यही कहना है, ये जो सेकेंड वेव आया है जो कोविड जो ये चल रहा है, ये बहुत ही खतरनाक, बहुत ही सीरियस किस्म का वायरस है। लोगों का कहना है कि B1617 का है, ये विरुलेंट, बहुत वायरस विरुलेंट है, ये डायरेक्टली लंग्स में इफेक्ट करता है। लंग्स के इफेक्ट करने के वजह से पेशेंट को सांस लेने में बहुत ही तकलीफ होता है। तो इससे पब्लिक को बच के रहना है, बचने के लिए तरीका यही है, आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को मान के चलिए, जो सरकार ने गाइडलाइन दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो गाइडलाइन दिया है उसको आप लोग मान के चलना है। हमारा सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी का सरकार, पेमा खांडू का सरकार जो है, जो भी कर सकता है पब्लिक के लिए, पब्लिक का लाइफ को और प्रॉपर्टी को, सेफ्टी, लाइफ एंड डेथ को बचाने के लिए काफ़ी हेल्प किया है। हम लोग को वेंटिलेटर प्रोवाइड किया, हम लोग को पीपीई किट प्रोवाइड किया, मेडिसिन प्रोवाइड किया, जितना भी ज़रूरत साज सामान ज़रूरत पड़ता है उसको हम लोग को हेल्थ केयर वर्कर को ट्रेनिंग दिलाया। उसका बाद कैसे फाइट करना है, क्योंकि ये बीमार 2020 में नया सा आया है, हर किसी को मालूम नहीं था, हम लोग भी सीख रहा है, अभी भी सीख रहा है, लेकिन अभी काफ़ी सीख गया है कैसे हैंडल करना है। इवन आपको ये पीछे जो देख रहा है बिल्डिंग, ये भी बिल्डिंग हम लोग का आयुष बिल्डिंग है, ये पिप्ती बेदर का हॉस्पिटल बना हुआ था, बना बनाए हम लोग को मिला, इसके लिए काफ़ी सुविधा मिला हम लोग को, डिस्ट्रिक्ट एडमिशन के तरफ से हम लोगों को ये प्रोवाइड किया गया है, रिक्विजिशन कर दिया गया है। अदरवाइज हम लोग को ऐसे पेशेंट, सीरियस पेशेंट रखने के लिए, देखभाल करने के लिए बहुत तकलीफ होना था। प्रेजेंट जो बाकिन पाटिल जनरल हॉस्पिटल आप देख रहे हैं वो तो एसपी टाइप का बिल्डिंग है, उसमें इतना देखभाल, इतना अच्छा माने देखभाल करने मुश्किल था, लेकिन हम लोग को ऐसा फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दिलाया है। मैं गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, पेमा खांडू गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपका नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जितना हम लोग का यहाँ में इफेक्ट होना था, जितना हम लोग का डेवास्टेटिंग और जितना आदमी मरना था, उसको उन लोग का सुविधा देने के वजह से, टेस्टिंग होने के वजह से, काफ़ी टेस्टिंग होने के वजह से डिटेक्ट करके उसको अर्ली एडमिशन किया या डिटेक्शन करके आइसोलेशन किया, ऐसे करने के वजह से पब्लिक का काफ़ी लाइफ बच गया है। हम लोग का यहाँ फैसिलिटी है, RT-PCR का टेस्ट करने का फैसिलिटी है, आपका ट्रूनेट टेस्ट करने का है,
रेड टेस्ट करने का, सब टेस्ट करने का फैसिलिटी है और मैन पावर भी है। इसी के दौरान हम लोग का यहाँ में आपको मेडिसिन स्पेशलिस्ट जितना भी यहाँ में एडमिट होता है, मेडिसिन स्पेशलिस्ट देखभाल कर रहा है, इसीलिए काफ़ी लोग यहाँ से आपका इम्प्रूव होके रिकवरी होके जाता है। हम लोग का एक्सरे फैसिलिटी है, अल्ट्रासाउंड फैसिलिटी है, ब्लड टेस्ट करने का, आपका कोई भी ब्लड टेस्ट, ब्लड शुगर हो, कुछ भी टेस्ट करने का सब सुविधा है। इसीलिए हम लोग काफ़ी हद तक ये केसेस को रुकाने सका है और आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी गवर्नमेंट ऐसे हम लोग को सपोर्ट करते रहेंगे तो हम लोग ये बीमार को ज़रूर जीतेंगे। लेकिन पब्लिक से हमारा ये आग्रह है, दो गज की दूरी मास्क से ज़रूरी, दवाई भी कराई भी, ये मान के चलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यदि आप सही ढंग से करेंगे आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। थैंक यू।